हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं आर एस अग्रवाल का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का। देखो तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन ही है ये भी। बोल रहा है कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। बोल रहा है क्या कि एक टीवी टावर है ना, और ये क्या है, वर्टिकली खड़ा है एक बैंक पर, किनारे पर है ना, कैनल का किनारा है वहाँ पर खड़ा है ये, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, बोल टावर के जस्ट अपोजिट जो है दूसरा बैंक, दूसरा किनारे से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, यानी कि यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा, ये बन रहा है 60 डिग्री। चलो यहाँ मैंशन कर देता हूँ, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अनदर 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बोल रहा है क्या कि इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से जो देखा जा रहा था और 60 डिग्री बन रहा था, वहाँ से 20 मीटर अवे दूरी पर जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वहाँ से जो है इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब जो बन रहा है वो बन रहा है कितना, ये बन रहा है हमारा 30 डिग्री। चलिए लिख देता हूँ, अब आगे क्या बोल रहा है देखें, तो आगे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए इस टावर का हाइट निकालना, तो मैंने इसको एच मान लिया हाइट को, तो ये मुझे निकालना, पहला बात तो ये है। दूसरा क्या बोल रहा है हमें कि एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, जो कैनल का जो विड्थ है यानी कि ये मुझे निकालना है, तो इसको मैंने एक्स मान लिया है, तो चलिए इसको मुझे निकालना है। तो देखो ये काम करते हैं, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि ये ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल बन रहा है ना हमारा, तो चलो इन ट्राइंगल ए बी डी 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, एट बी पर बन रहा है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया है। अब देखो 60 डिग्री बन रहा है ना, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी बटा बेस, बेस क्या है हमारा बी डी, तो ये लिख दिया बी डी। चलिए अब आगे देखते हैं, तो टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है हमारा रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी हमारा एच है, इसको हम लोगों ने एच माना है तो एच रहने दो, और बी डी को एक्स माना है तो इसको एक्स ही रहने देते हैं। तो यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लो, या तो एच का या तो एक्स का, क्योंकि मुझे दोनों ही निकालना है, तो चलो मैं एच का ही वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा रूट थ्री एक्स। चलिए ये एच का वैल्यू आ गया, इसको मैं इक्वेशन वन मान लेता हूँ। अब एक काम कर रहे हैं, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, ये ट्राइंगल लेते हैं। आइए तो इन ट्राइंगल ए बी सी 90 डिग्री एट बी पर ही है, तो रहने दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है ना, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी, तो लिख दो ए बी बाय बेस हो जाएगा हमारा बी सी, तो लिख दिया बी सी। चलो अब यहाँ से 10-30 का वैल्यू पुट करते हैं हम, तो 10-30 होता है हमारा कितना, 1/√3। 10-30 का वैल्यू पुट कर दिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी हमारा एच है तो इसको एच रहने दे रहा हूँ, बाय बी सी, बी सी जो है हमारा कितना है, तो पूरा का पूरा बी सी, तो यहाँ तक 20 है और ये एक्स है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, तो 20 और प्लस एक्स, ठीक है। चलिए अब मैं काम करता हूँ, यहाँ से भी मैं एच का वैल्यू निकाल लेता हूँ, या फिर एच का वैल्यू जो हमारा आया है आप पुट भी कर सकते हो। आप एच का वैल्यू कितना आया है, रूट थ्री एक्स आया है ना, तो यहाँ पर मैं रूट थ्री एक्स पुट कर रहा हूँ। चलिए तो वन, अभी उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, रूट थ्री एच, ठीक है। तो अब यहाँ देखो तो h इज इक्वल टू कितना है हमारा, रूट थ्री एक्स है ना, तो यहाँ पर h का वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। तो चलिए तो दिस इम्प्लाइज 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री को रूट थ्री रहने दिया, और h का जो वैल्यू आया है हमारा रूट थ्री एक्स, ये यहाँ पर हम लोग पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारा रूट थ्री एक्स, यहाँ पुट कर दिया और रीज़न डाल दो, क्योंकि क्या है हमारा h इज इक्वल टू
रूट थ्री एक्स आया है ना। चल तो फर्दर अब यहां से क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो कि जी टू क्या 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री, थ्री हो जाएगा है ना। तो थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री, सॉरी थ्री हो जाएगा तो थ्री एक्स, ठीक है। और ये एक्स यहाँ भी है तो ये जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो थ्री एक्स और माइनस एक्स टू एक्स। तो यहाँ से मैं एक्स का वैल्यू निकाल लूँगा तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, जब उसको सॉल्व करोगे तो 20 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। और काटोगे इसको तो एक्स का जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा कितना, ये आ गया हमारा 10। तो x जो था हमारा जिसको निकालने के लिए कहा गया ये हमारा 10 आ गया। तो हमें बोला गया था क्या कि ये निकालना है कि क्या निकालने के लिए कहा गया था कि द विड्थ ऑफ द कैनल, तो कैनल का विड्थ हमारा तो आ गया है 10 मीटर। और अब हम जो है हाइट निकाल लेते हैं टार का, तो बोला टार का हाइट निकालिए, तो ये है हमारा h। तो इस x का वैल्यू को पुट कर दो ना यहाँ पर तो हमारा हाइट निकल जाएगा। तो चलो यहाँ पर पुट करते हैं x के वैल्यू को, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन में पुट करते हैं ना। तो इक्वेशन वन कितना है हमारा, h इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स है, तो h इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स, एक्स का वैल्यू पुट कर दो तो h इज इक्वल टू रूट थ्री को रूट थ्री रहने दो, और x का वैल्यू 10 आया है तो ये हो जाएगा हमारा 10 रूट थ्री, यही हो गया हमारा मीटर, ये हो गया आंसर। अगर आप फर्दर चाहोगे तो रूट थ्री का वैल्यू भी पुट करके वहाँ से निकाल सकते हो, वैल्यू पुट कर देना 1.732 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17.32 आ जाएगा, तो ये आप निकाल सकते हो इजी वे में। तो ये है हमारा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।